यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहां पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहां पर गाइस आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज की इस वाली वीडियो में गाइस मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं द वन एंड ओनली KTM 1290 सुपर ड्यूक आर इज हेयर। 2019 का मॉडल है और डिप्लेसमेंट अगर सीसी की यहाँ पर बात की जाए 1290 सीसी है। हायाबुसा का करीब है, ठीक है। तो 1301 सीसी की बाइक है, 177 बीएचपी की बाइक है, 141 एनएम का यहाँ पर आपको टॉर्क वगैरह मिल जाता है, 219 किलो का बाड़ी बाइक के अंदर जो है दोस्तों यहाँ पर कर्व वेट है और इनलाइन 2 सिलेंडर्स। जी हाँ दोस्तों 4S, तो 2 सिलेंडर की L-twin इंजन आता है इसके साथ। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आरिश भाई इस वाली बाइक से ड्रैग करो, दिस इज अ ड्रैग क्वीन, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए यार हम इसको जो परचेज करने वाले हैं काफ़ी सस्ती ही मिल रही है। अब यहाँ पर ये वाला एक वेरिएंट है, ठीक है ना, बट मैं इसका ऑरेंज लेना चाहूँगा क्योंकि ड्यूक जो है भाई ऑरेंज में अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली हम इसको जल्दी से परचेज कर लेते हैं। फाइनली बाइक इज हियर, अमेजिंग, नाइस। अच्छी है बाइक, बट नेकेड बाइक्स आई डोंट लाइक नेकेड बाइक्स, बट ठीक है चलो अब आ गई है तो कोई नहीं, अब आज सूट में पूरा वो पहनूंगा। बट सबसे पहले बाइक, अभी बाइक जो है दोस्तों 177 bhp की, अब हम इसे यहाँ पर बनाने वाले हैं 198 bhp की। इंजन किट दूसरी लगेगी इसमें और यहाँ पर जो है NM टॉर्क 144 का हो जाएगा, वेट भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ नीचे देख पाओगे ना, यहाँ पर सारी की सारी स्पेसिफिकेशन दिख जाती है बाइक की, ठीक है। 198 bhp एग्जॉस्ट लगती है, 210 bhp की हो जाएगी। हाँ अब उससे ऊपर पावर है हो रही है इसकी बस। ये स्टॉक है, डी कैट हट जाएगा बेसिकली, डी कैट इसके अंदर भी दे रखा है इन्होंने। हाँ फुल सिस्टम, एक्रोपाविच योशीमुरा, और एक्रोपाविच से फुल सिस्टम सही है भाई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि योशीमुरा लगाकर इसे योशीमुरा से भी खैर बढ़ रही है, बट एक्रोपाविक्स इज़ नाइस। ट्रांसमिशन इज़ गुड, और ब्रेक्स किट भी मैंने बड़ी वाली इसके अंदर जो है लगवा ली है। सस्पेंशन रेसिंग सस्पेंशन बाइक के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। चेन भी चेंज हुई है भाई बाइक की। रिम्स या अभी 208 किलो की है, 204 किलो की बाइक हो जाएगी और 200 किलो की भी हो सकती है। ओके नाइस, ये सही लग रहा है मेरे को, ठीक है चलो। टायर्स भी 8000 के हो गए। मिरर्स भाई हटाओ, मिरर्स कौन देखने वाला है। हाँ ये प्लेट वगैरह तो हटेगी। अच्छा तो क्या क्या हटता है भाई, सामने फ्रंट इंडिकेटर्स वगैरह हट जाएंगे और पीछे से हट जाएगी, तो मतलब इन चीज़ों का भी दोस्तों वेट ही होता है बाइक के ऊपर, ठीक है। और हम सीधा ट्रैक के ऊपर बाइक को चलाने वाले हैं तो इस वजह से सारी की सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हटनी पड़ती है। तो अब बाइक जो फिलहाल है एक ट्रैक के लिए, ट्रैक मशीन जो है दोस्तों यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर राइडर की कस्टमाइजेशन जो है आज की जाने वाली है, ठीक है। राइडर गियर्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर जो चेंज होने वाले हैं, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लव्स के ऊपर जाएंगे। नहीं नोप नहीं, वो इटाली की अगर तुम कोई बाइक चला रहे हो तो उसके लिए अच्छी है। राइनॉक्स नहीं, एक्सियन के हैं ये भी चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए। ये थोड़े चीप क्वालिटी के आ गए, इनके अंदर थोड़ा सा मुझे दोस्तों यहाँ पर ना ऑरेंज टच वाले चाहिए, किसी कोई सी भी कंपनी के मिले हो मुझे। नाइस, बट ऑरेंज टच में चाहिए यार मेरे को, ऑरेंज टच में कोई भी ब्रांड नहीं बना रहा क्या। चलिए ब्लैक ले लेता हूँ मैं, ये हो गया। सूट तो भाई देखो ऑरेंज ही चलेगा। दिस इज नाइस, बट उतना ज़्यादा मतलब वो बोलते हैं ना कि मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ दिस इज लुक्स नाइस, एल्पाइन स्टार।
ठीक है, बूट्स ये मैच करेगा। चलिए वाइट वाली पहन लेते हैं इसके ऊपर, तो ठीक है ना दोस्तों। बट हेलमेट तो भाई देखो चेंज होना बनता है। AGB या दिस इज नाइस, येलो ये बढ़िया है। और अगर मैं हेलमेट का वाइजर चेंज करूं, हाँ ये टिंटेड भी अच्छा लगेगा यार दोस्तों। या दिस इज नाइस। वैसे राइडिंग स्टाइल वगैरह भी चेंज हो सकता है, ओल्ड स्कूल। अच्छा बैलेंस ओल्ड स्कूल। सही है, चलो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर जो है देखी जाती हैं। चलिए सीधा हम ट्रैक पर पहुँचते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पर जो है गाइस कर ली हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या नतीजा निकलेगा डेटोना स्पीडवे पर। उत्तरी उत्तरी बे यार, ये तो लॉन्चिंग ही गलत हो गई यार दोस्तों। दिस लॉन्चिंग इज नॉट सो मच सक्सेसफुल, ठीक है। थोड़े से गलतियां हो जाती हैं यार इंसान से। चलो पानी भी लगने देगी तो उत्तरी। भाई तो ड्रैग क्वीन होने वाली है। ओ भाई 1290 काफी अच्छी है। नाइस नाइस उत्तरी। ये कौन सी बाइक निकली है आगे मुझसे? गुस्ता भाई साहब मुझसे आगे निकल गए वे लोग। उनकी बाइक ज्यादा पावरफुल है यार। टेनआर भी आ गई बराबर में। भाई साहब MBA गुस्ता F4 भी बहुत खतरनाक बाइक है।
ये आ गई है ZX10R। बस इस ड्यूक को तो मैं पीछे छोड़ सकता हूँ। उत्तरी नजर हटी और दुर्घटना घट गई। उत्तरी अब तो भाई पीछे के पीछे ही होते चले गए हम। दोस्तों बट उतना ज्यादा मतलब ड्रैग में ना मजा नहीं दिया इस बाइक ने। निराश कर दिया इस बाइक ने। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यहाँ से निकले थे ये 200 से ऊपर BHP की बाइक्स हैं। और असल में ना इन बाइक्स का पता ही भाई ट्रैक पर चलता है, जो एरोडायनेमिक बाइक्स होती हैं, लाइक जो फेयरिंग वाली बाइक्स होती हैं। ठीक है, आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मुझे यहाँ पर कौन सी बाइक जो है ट्राई करनी चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।